हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 हुंडई आई 20। हुंडई आई 20 2023 का प्राइस 7.46 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 11.88 लाख रुपीस तक। ये नई अपडेटेड हुंडई आई 20 है, जिसके अंदर ना काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन कर दिए गए हैं। बेस वेरिएंट आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, मैग्ना 1.2 लीटर NA पेट्रोल मैनुअल में कुछ ऐड किया गया, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दे ही देता हूँ आइडिया कि क्या इसमें बेसिकली ऐड हुआ हुआ है। आप देख लो, स्क्रीन आ गई है मैग्ना वेरिएंट के अंदर, और भी फीचर्स हैं वो आपको वीडियो के लास्ट तक पता लग जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली दो इंजन ऑप्शन इस कार में ऑफर किए जाते हैं, एक है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। मैग्ना वेरिएंट आपको यहाँ पर 1.2 वाले में ही ऑफर किया जाता है। कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे फ्रंट व्हील देखने को मिलती है ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर, जो कि पूरी रहने वाली है। क्रोम में आपको यहाँ पर हुंडई का लोगो मिल जाएगा। हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है इसकी हेडलैम्प्स के अंदर, एंड बेस वेरिएंट के अंदर भी ना यहाँ पे हुंडई फॉग लाइट्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि अगेन आपको मिल जाती है हेलोजन के अंदर ही, बट ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉग लाइट्स दी जा रही है। ऊपर आपको यहाँ डीआरएल्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ग्रिल का कुछ ऐसा कंप्लीट इसका लुक देने वाला है। नीचे ना आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के पूरे इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ओवरऑल प्रीमियम लगते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर यूजली ये वाली ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर मिलती है, और यहाँ पे हुंडई बेस वेरिएंट से काफी अच्छी क्वालिटी की ग्लॉसी ब्लैक कलर में ग्रिल प्रोवाइड ओवरऑल कर रहा है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल का लुक कुछ ऐसा कंप्लीट इसका रहने वाला है। एक बार ना खोल लेते हैं अब इसका हुड और बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ से हम खोल सकते हैं इसका हुड। सबसे पहले तो 1.2 लीटर का जो यहाँ पर इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, वो ना इसके अंदर प्रोड्यूस करता है अराउंड 82 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 21 की यहाँ पे एयर आई क्लीन माइलेज है, 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, एंड ये आप देख लो इंसुलेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही। बाकी पेट्रोल का इसके अंदर इतनी भी खास इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है, ऐसे कुछ कंप्लीट इसका इंजन रहेगा। और फिलहाल क्या करते हैं इसके हुड को बंद एंड बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो ना साइड में आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह के स्टील व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हैं यहाँ पे बेसिकली 15 इंच के। फुल व्हील कवर आपको मिलेगा ब्लैक कलर के अंदर, जो कि रहेगा ब्लैक नहीं बेसिकली एक ग्रे कलर मैं कहूँगा। बाकी टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाती है 185/65R15। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी। इंडिकेटर यहाँ पे फेंडर के ऊपर ही आप यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको वो यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। ओवर वीएम्स को ना आप यहाँ पर इसमें मैन्युअली फोल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे एडजस्ट तो आप अंदर से नहीं कर पाएंगे, बट फोल्ड आपको यहाँ पे मैन्युअली इन्हें करना पड़ेगा। रूफ यहाँ पे पूरी प्लेन रहने वाली है, शार्क फिन आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। कोई भी क्रोम विंडो लाइनिंग बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आ रही है। और लुक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कार का कंप्लीट साइड से। ग्राउंड क्लियरेंस आपके यहाँ पर इसमें मिल जाती है 170 mm की, सर्फोमीटर कैटेगरी में वैसे कार आ जाती है। टेल लैंप्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगा। हेलोजन के अंदर आपके यहाँ इस बेस वेरिएंट के अंदर टेल लैंप्स मिलती है। यहाँ से इसका फ्यूल टैंक कैसे कुछ ओपन कर सकते हैं, डिजाइन इंटीग्रेटेड सब पूरा आपको ऑफर किया गया। i20 की बैचिंग यहाँ पर है, हुंडई का लोगो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर देखो i20 का गेन आपको बैचिंग मिल जाएगी, एंड दो ही पार्किंग सेंसर्स आपके यहाँ पर इसमें ऑफर किया जाता है। कोई भी कैमरा वगैरह इसमें बेस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा, एंड ऐसा कुछ यहाँ पे ओवरऑल लुक है इस कार का बैक प्रोफाइल से। ड्यूल टोन के अंदर आपको पूरे इंसर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। नीचे आप देखो यहाँ पे ब्लैक इंसर्ट्स पूरी जगह काफी स्पोर्टी लगते हैं। दो रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे पूरे ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए। सेंटर में रिफ्लेक्टर आपको मिलता है। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ पर ब्रेक लाइट है। जल्दी से खोल लेते हैं इसका बूट। यहाँ पे आपको कुछ इतनी जगह इसमें मिल जाती है, पार्सल ट्रे इसमें नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। 311 लीटर्स का यहाँ पे ओवरऑल बूट एरिया है। इसके नीचे आपको यहाँ स्पेयर व्हील मिलेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्वॉल्व वन के स्नोफॉल का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम एक बहुत ही ज्यादा ओवरऑल रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप इसके नाम से पता लगा पा रहे होंगे, स्नोफॉल, एक ठंडक भरा सा एहसास आपको मिलने वाला है इसको कार के अंदर लगाने के बाद। बाकी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि बहुत इजीली 50-60 डेज तक लास्ट भी कर जाता है। जरूर से अगर इसे बाय कर ले, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं 100% श्योर हूँ एक बारी अगर आपने इस परफ्यूम को बाय कर लिया, नेक्स्ट टाइम भी इसी को बाय करने वाले हो, क्योंकि इतनी मस्त फ्रेग्रेंस आपको ये ओवरऑल ऑफर करता है। बाकी अब एक बार चल लेते हैं कार के अंदर एंड चेक कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स को। यहाँ से पहले बंद करते हैं इसके टेल गेट को, एंड अब मैं आपको इसका डोर पैड दिखा देता हूँ। बाकी उससे पहले आप इस साइड का भी कम्प्लीट लुक देख लो, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक पैनल आपको दिया जा रहा है, एंड ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। ओवर वीएम्स वही आप एडजस्ट तो कर सकते हैं, फोल्ड इन आप नहीं कर पाएंगे।
ट्विटर आ रहा है यार बेस वेरिएंट के अंदर, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक या स्टोरेज स्पेस बॉटल होल्डर वगैरह आपको मिल जाता है, डोर ओपनिंग इसकी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, तो कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट, जिसके आप यहाँ पे हाइट को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और इस परफ्यूम को एक बार मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसके बॉटल होल्डर में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंटीरियर्स कार के कम्प्लीट। तो सबसे पहले तो ऐसी कुछ यहाँ पे कीज़ है, लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपन करने के ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है। नीचे आपको नॉर्मल सी कीज़ ऑफर की गई है दूसरे वाली, बाकी यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर पाएंगे इस वेरियंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का, मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ इस साइड पर मिलते हैं, यहाँ पर आपको मेडी स्क्रीन के कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प सारे बेस वेरिएंट के अंदर भी, यहाँ पे आपको वाइपर के लिए टॉगल मिल जाएगा, एक एसी वेंट यहाँ है, हेडलाइट लेवलर आ रहा है, बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट इसका रहने वाला है बेस वेरिएंट के अंदर। अब आ गई यहाँ पर 8 इंचेस की स्क्रीन, एंड काफ़ी अच्छी बात है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार के आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है, और आपके यहाँ पे बेसिक फीचर्स जैसे कि एम एफ एम ब्लूटूथ सी एस बी तो मिलते ही हैं। कि ये जो पूरा पैनल है ना ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा, थोड़ा सा आपको उतार के दिखा देता हूँ, ये देखो ग्लॉसी ब्लैक में पूरा पैनल है, 2 AC वेंट्स है, 1000 लेट का स्विच है, मैनुअल AC कंट्रोल्स है, स्टोरेज स्पेस है, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, USB का पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, 5 स्पीड के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आएगी, रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पर सिर्फ सेंसर्स का ही डिस्प्ले मिलेगा, कोई भी कैमरा वगैरह इस वेरियंट के अंदर नहीं आ रहा है। मैनुअल डे नाइट IRVM, 2 बॉटल होल्डर्स, हैंड ब्रेक आर्म रेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है जो क्या है स्टोरेज स्पेस के साथ। बाकी ये वाली सीट्स आप देख लो ऐसी कुछ ये रहने वाली है, लाइट्स एक बारी ऑन कर लेते हैं, हेलोजन के अंदर ही आपके यहाँ मिलती हैं, एंड सनग्लास होल्डर भी इसमें आ रहा है, इधर ना आपके यहाँ पर इसमें टिकट होल्डर मिलेगा, और इधर आपको मिरर मिल जाता है अपनी एन के अंदर, Z6 में भी नहीं है, और यहाँ बेस वेरिएंट के अंदर होना ये प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ क्यों छोड़ दी महिंद्रा ने, बाकी चलो यहाँ पर मिल रही है। ये देख लो सीट्स कुछ ऐसी आपको मिल जाएंगी ब्लैक कलर के अंदर, वैसे फैब्रिक सीट्स हैं जो कि अच्छा खासा आपको कंफर्ट वगैरह ओवरऑल प्रोवाइड कर देती हैं, ऐसी कुछ ये कंप्लीट रहने वाली है, एंड कुशनिंग वगैरह भी देख लेते हैं तो ठीक है, ठीक ठाक आपको कंफर्ट ये प्रोवाइड कर देंगी। यहाँ पर कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है इसके ग्लव बॉक्स के अंदर, और सेफ्टी की अगर बात की जाए यहाँ पर इसके अंदर फ्रंट 2 एयरबैग्स ABS डिवडी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, टॉप एंड्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अपना जल्दी से चलते इसकी बैक सीट में, एंड देखते हैं कि बैक सीट में कैसा कुछ कंफर्ट आपको हुंडई i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। डोर हैंडल ये वाला देख लो ऐसा कुछ आपको ये मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश में, एंड बैक डोर की बात करें तो ये आप देख लो ऐसा कुछ ये है सिंगल टोन ब्लैक कलर के अंदर ही, सेम फ्रंट डोर की तरह पूरा का पूरा, पावर विंडो का स्विच, स्टोरेज स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर, डोर हैंडल वैसा सेम है। डोर ओपनिंग आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी इसकी मिल जाएगी, अंदर ना आती आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है 3 हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल टाइप के हैं, काफ़ी अच्छी बात है। वरना मैं आपको भी दिखाता हूँ, वरना के ना S6 वेरिएंट के अंदर भी आपको 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, ये देख लो यहाँ पे 2 ही हेडरेस्ट आ रहे हैं, और इसमें यहाँ बेस वेरिएंट के अंदर भी हुंडई 3 हेडरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से रहती है हुंडई की ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी आम तरह से इसमें यहाँ पर नहीं आ रहा है, और वही सेम बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं जैसे कि आपको फ्रंट की मिलती हैं, ठीक ठाक अंडर साइड सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा। AC वेंट्स ना यहाँ पर इसमें आ रहे हैं, ऊपर लाइट भी आ रही है, हेलोजन में मैप पॉकेट्स इस साइड पर है, एंड A पोर्ट आपको मिल जाता है स्टोरेज स्पेस के साथ। स्पेस एंड कम्फर्ट देख लो आप, ठीक ठाक आपको नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पाएगा अगर आपकी हाइट मेरी जितनी 6 फीट है। यहाँ पर ऐसे कुछ हैंडल है कोट हुक के साथ, सेंटर में थोड़ा सा कोई खास इतना फ़र्क आपको इससे नहीं पड़ने वाला है। बाकी तो ऐसी कुछ ये कंप्लीट सीट्स थी, और अब एक बारी चल लेते हैं कार के फिर से बाहर, एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार हुंडई i20 मैग्ना 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 7.46 लाख रुपीस, और ये कार ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर अब पड़ने वाली है 8.75 लाख रुपीस की। बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आ गया यार चंडीगढ़ के RTO के अंदर, सही में बहुत ज़्यादा इन्होंने रेट वगैरह बढ़ा दिए, जहाँ पे 6% पहले लगा करता था वहाँ पे अब लगेगा इसमें 10%, वो भी अगर चंडीगढ़ से कार बाय करेंगे तो, ये अगर आप पंजाब या हरियाणा से कार आ रहे हो चंडीगढ़ में और रजिस्टर करवा रहे हो तो 12% टैक्स लगेगा, सीधा डबल एक तरह से कर दिया। बाकी तो फिलहाल रखते हैं इस वीडियो को इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और ये नया अपडेटेड वेरिएंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, साथ ही आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगा Involve 1 के स्नोफॉल का परफ्यूम का, जिससे कि जाकर आप जरूर से बाय कर लें ताकि आप भी मेरी तरफ की कार के अंदर एक मस्त फ्रेग्रेंस का मजा ले सके। बाकी यही था इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना ऐसी और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।